आज भी मुझे मोक्षमाला का वो दिन याद आता है। जब उपदान तब करने भेजा तब सोचा नहीं था कि ये इसके भाव हो जाएंगे। सच में यशिता दीक्षा ले रही है, लेगी वो अभी, संभाल कर पाएगी सब कुछ, आराधना वगैरह। पहली बार जब मैं सुना कि यशिता दीक्षा ले रही है तब तुम्हें उसको रिएक्ट करके पता ही था कि दीक्षा मैं तो तेरे को गिरवा दूंगा नहीं, और अगर तू लेगी तो मैं तेरी दीक्षा में आऊंगा भी नहीं। उसने जो 4 साल पहले बोला था वो उसने वाकई में सार्थक करके बताया। चंदन जेवु संयम जीवन जीव वूछ मारे उज्जवल जीवन गुरु जी करो हवे रूपा मुझ पर मारे संयम उपवन। ये बेटी बहुत प्यारी है लेकिन थोड़ी जिद्दी है और चंचल भी है। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी मस्ती बढ़ती गई। कहीं घूमने जाना हो, मौज मजा करना हो तो यशिता ही याद आती थी। इतना झगड़ते हम लोग, इतना प्यार भी करते हैं पर झगड़ते ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे तकलीफें स्टार्ट हो गई, मस्ती और हो गई। मेरा हर स्पेशल मोमेंट उसके साथ ही था। बचपन से लेके कॉलेज तक हम सब साथ में ही रहते थे। यशिता दोस्त के रूप में मिली एक प्यारी सी बड़ी बहन, मेरे गलतियों पे मुझे हक से डांटना और अच्छे कामों में शाबाशी देना। आज भी मुझे मोक्षमाला का वो दिन याद आता है जब उसने उद्यान किया था, और मोक्षमाला के दिन उसने हम लोगों को बोला था कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, लेकिन तब हमने उसकी बातों को लाइटली लिया। लेकिन जब इसको मुहूर्त निकालने की बात आई और हम लोग साहिब जी के पास गए तब हम लोगों के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि उसने जो 4 साल पहले बोला था वो उसने वाकई में सार्थक करके बताया। मुझे तो उपदान करने को तब करने को मिला नहीं, लेकिन मैंने सोचा मेरी बेटी तो करेगी। जब वो माला पहनी, उसने मोक्ष माला पहनी, तब गुरुदेव ने स्टेज पे बुलाया कि जिनको भी भावना है स्टेज पे पधारो। तो स्टेज पे वो चली गई, दिन भर चली गई कि मेरे को भावना है। मुझे लगा भी नहीं कि उसकी भावना भी है करके। यशिता तो पहले से ही बोल्ड और ऐसे मूडी टाइप की थी, उसके मूड पे सब डिपेंड रहता था। लेकिन जब साहिब की एंट्री उसके जीवन में हुई तब तो उसमें बहुत से चेंजेस आने लग गए थे, और उन चेंजेस से थोड़ी हिंट तो मिल गई थी कि वो अब उस पद पे जाने वाली है। लेकिन ये सोचा नहीं था कि इतने जल्दी वो दीक्षा अंगीकार करने का डिसीजन ले लेगी। सबसे पहली बात तो बेटे से ज़्यादा मेरी बेटी प्यारी पहले से रही है, मेरा और उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। पहली बार जब मैं सुना कि यशिता दीक्षा ले रही है तब तुम्हें उसको रिएक्ट करके पता ही था कि मैं दीक्षा में तो तेरे को गिरवा दूंगा नहीं, और अगर तू लेगी तो मैं तेरी दीक्षा में आऊंगा भी नहीं। फर्स्ट रिएक्शन यशिता दीक्षा लेगी, तो मैं पहली बार तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो दीक्षा ले सकती है, क्योंकि वो इतनी नटखट है, इतना उसको एंजॉय करने को पसंद आता है कि दीक्षा तो लाइक इम्पॉसिबल ही है उसके लिए। पर जब सुनने में आया कि दीक्षा ले रही है वो, तब मैं एक बार तो शॉक हो गया, सच में यशिता दीक्षा ले रही है, लेगी वो अभी, संभाल कर पाएगी सब कुछ, आराधना वगैरह। संसारी राग ना तोड़ी न बंधन विरति नाराही वैरागी ने बंधन। जब मैं संस्कार वाली का की टीचर बनी तब जब मैंने सीखा तो मुझे पता चला कि नहीं, संसार में रहने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ रोज की स्वार्थ की दुनिया है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि नहीं मैं बेटी को उस मार्ग पे भेजना ही है। मुझे अच्छा लगा कि उसने भी तय किया कि नहीं मुझे उधर ही जाना है। पहले तो उद्यान जाने के लिए मान नहीं रही थी वो, कैसे वैसे वो उद्यान चली गई, उसकी उसकी फ्रेंड जा रही थी,
उद्यान में चली गई, उसके उधर उधर ही सब वो चेंज हो गई, भाव बदल गए उसके। फिर उधर दीक्षा लेने के भाव आए, मारा साहब से अटैचमेंट ज़्यादा हुई, अटैचमेंट ऐसी हो गई कि इतने सालों से वो हमारे साथ रह रही थी पर फिर भी हमारे साथ जितना अटैचमेंट नहीं हुआ उसका, उससे ज़्यादा उसका अटैचमेंट साहिब जी से हो गया। और साहिब जी को तो क्या बोलो, करुणामय है। राजवियो नो वेश धरी ने आव्या विरति चाहे, चौमुख जी संग मुनि वृंद ने। और जैसे जैसे अभी उसका आगे साहिब के पास जाना हुआ, वो उसके लिए पढ़ाई के लिए मैं भेजता था, थोड़े दिन जाती थी आती थी, लेकिन जब वो उद्यान तक किया तब से उसका जो टर्निंग पॉइंट आया उसके बाद में उसको रोक भी नहीं पाया। मेरी तो परमिशन थी, परमिशन मैंने, लेकिन एक ही बेटी थी, सोचा था घर में बेटी होती है तो रौनक रहती है, लेकिन धर्म के मार्ग पर जाना और उसकी आत्मा का कल्याण करना वो भी जरूरी था, इसलिए परमिशन दे दी। पर वो खुशी है कि जिस मार्ग पर जा रही हो उसकी आत्मा का कल्याण होगा उधर, बस वो एक खुशी है, इसलिए जुदाई का गम है बस, वो वापस हमारे घर नहीं आएगी। भारे शनगारी छोड़े मोही स्वजन ने, रजो हरण गुरु हस्ते ग्रही ने, ओ रजो हरण गुरु हस्ते ग्रही ने नाचे। मैं उसकी सत्व परीक्षा जो बोलते हैं वो लेना चाहता था, अगर वो परिपक्व हो जाए तो उसको दीक्षा देना था, इसके लिए अभी तक रुक गए हम लोग। विरती नाराही वैरागी, सीता के गुरुजी के बारे में बोलना, यानी माँ से ज़्यादा प्यार मैंने जो नज़दीक से साहब को देखा है वो उधर 100% मिलता है और मिलेगा। इतना मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ, इतना अटैचमेंट है उसके गुरुदेव से, मेरे से भी ज़्यादा वो प्यार करते हैं उनसे। योशिता के इस डिसीजन पे रिएक्शन तो ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमको पहले से एक फेयर आइडिया थी कि इस मार्ग की ओर बढ़ रही है, पर ये डिसीजन कंफर्म होते हुए न्यूज़ मिलने के वक्त ऐसा लगा कि हमारे बीच का ये कल्याण मित्र इस मार्ग की ओर बढ़ रहा है, इससे बहुत खुशी हुई। वो पहले से ही उनको संयम पद पर जाना ये उनका था, और कल्याण मित्र की सही परिभाषा मेरे जीवन में उन्होंने अभी कुछ नहीं है, यशिता को हंसते हंसते दीक्षा देना है, अभी एक ही मूड है अपने पास, अभी तो दिन गिन रहे, कल से दो दिन के। बहुत मुश्किल है छोड़ना, लेकिन तो वो मार्ग भी बहुत अच्छा है। जिस मार्ग की ओर बढ़ रही हो उसे वीर की तरह परिपूर्ण करना, यही इस भाई की कामना। बहुत आगे बढ़ो, बहुत आराधना करो, बहुत तपस्या करो, बहुत मैयावश करो, मैयावश में कभी पीछे मत रहो, और बस सबको इंस्पायर करते रहो और सबको समझाते रहो कि संयम ही लेने जैसा है। इंद्राणी थी आज, ये पंक्तियाँ दुशला माता ने वीर प्रभु के लिए हरहरा में गाई थी। आज मेरी बेटी भी वीर प्रभु के मार्ग पर जा रही है और उसने मुझे इंद्राणी बना दिया है। आत्मा मरम शू स।
संयम रंगो मारंशो प्रपंच आ जगतनी हूँ त्यागी ने रहीशू।